हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मतलब सॉरी, आंटी जो है मेरी, उनका चैनल। आप सब कैसे, आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं सोच रही हूँ आंटी किसी काम, देखो आंटी वहाँ बाहर खड़ी है अभी, वहाँ गेट पे दिख रहा होगा आपको, खड़ी है वो गेट पे, और आंटी का फ़ोन अंदर है, मैं उनके कमरे में हूँ। मैं सोचा उनके साथ कुछ प्रैंक करा आज, क्योंकि जब भी मैं करती हूँ उनके साथ प्रैंक तो आंटी को पता चल जाता है। बट आज मैं उनके साथ ऐसा प्रैंक करूँगी कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगी। और ये प्रैंक मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि आज के इस प्रैंक में ये होगा कि मैं आंटी को बोलूँगी, आंटी मैं किसी और के साथ वीडियो बनाने लगी हूँ और मैं आपकी पार्टनरशिप अब नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को आपसे अच्छी कोई मिल गया, मैं वीडियो बनाऊँगी और आज से तुम और मैं कोई नहीं, फ्रेंड्स नहीं है। तो आंटी का जो रिएक्शन होगा वो देखने लायक होगा। तो पहले मैं आप कैमरा सेट कर देती हूँ, फिर देखते हैं। तो अब मैं कैमरा सेट करने जा रही हूँ। तो अब मैं कैमरा कहाँ सेट करूँ जहाँ आंटी को दिखे ना कैमरा, यहाँ ठीक है। ओके, अब मैं कैमरा सेट करने जा रही हूँ गाइस। अब मैंने कैमरा सेट कर दिया जैसा आंटी को दिखे ना, जब आंटी आएंगे तो प्रैंक स्टार्ट होगा। उनकी शक्ल तो देखने लायक होने वाली है, उस प्रैंक के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। पता नहीं कपड़ा चुपाने की इधर तक आई नहीं, आ रही नहीं। अरे तू यहाँ पे क्या कर रहा, तुम कहाँ थी? मैं कपड़े डाल पे गई थी, फिर उधर खड़ा हो गई थी। एक आंटी आया जो दो घर चल के आंटी रहती है ना, वो आया बोल। अरे वो मेरी फ्रेंड है, तो मैं घर पर रहती रहती है। मैं बता, उसका यूट्यूब चैनल है, बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है। तो मैं वो मेरे को कह रही थी यार, मैं तो अच्छी वीडियो बना लेती है, तो मेरे साथ वीडियो बनाएगी। तो मैं सोच रही थी अभी वीडियो बना कर दूँ, बट एक प्रॉब्लम है, मेरे को तुम्हारे साथ वीडियो नहीं छोड़नी होगी, क्योंकि वो कह रही जब एक ही जहाँ दो दो चैनल्स में होगा तो लॉस होने का होगा, साथ साथ मेरा भी। मेरे से शुरुआत से वीडियो बना रहा है, अब तू मुझे छोड़ के तू दूसरे के पास जाए? यार सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही है ना, इसलिए। सैलरी मिलेगी मतलब? अरे वो उसका ना बड़े यूट्यूब चैनल से पैसे मिलते हैं, तो आधे पार्ट मुझे उसमें मिल रही है। अच्छा, इसका मतलब तू पैसे के लालच में तू मुझे छोड़ के जा रही है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसे बात है? ऐसी बस उनने कहा था कि तू पहले, मैं जो पहले भी उनसे बोला था, बस उसे तो एक वीडियो बनाई थी, कहते पे एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं आती, तो खुद पहले एक्टिंग सीख, मैं तुम्हें देखा था वीडियो बनाते, इसलिए तुम ऐसे बनानी शुरू करी, क्योंकि अब एक्टिंग आ गई है तो उसने मेरे को फिर। तो इसका मतलब तूने मुझे यूज़ करा? यूज़ क्या करा इसमें यार, मैंने तुझे, मैंने पहले ही बताया था, तूने जब बोला आंटी तुम्हारे साथ मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं तुझे पहले ही बोला था ना नहीं बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, तूने तब बोला कि हाँ आंटी मैं बनाऊंगी, तब तू मुझे क्यों नहीं बताया कि आंटी तुम्हें मैं यूज़ कर दी? यूज़ करने वाली क्या बात है इसमें? तो तू मेरे से सब कुछ सीखा, सीखने के बाद तू जाएगा दूसरे के पास जो सैलरी देंगे उसके पास तू जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं बता जरा मुझे? ऐसे यूज़ करना नहीं, एक बात बता, मैं स्कूल में पढ़ रही हूँ, अब स्कूल में कोई टीचर ही, मैं अब पढ़ रही हूँ, बड़ा होकर कुछ बनूंगी तो टीचर ये थोड़ी कहेगी तुमने मेरा यूज़ करा। स्कूल की बात अलग है और वीडियो बनाने की बात अलग होती है। हम जो भी हो, बट मैं तो उसके साथ बनाने वाली हूँ वीडियो, तो फिर आज से तुम्हारे साथ वीडियो बन जाएगी, पर अपने चैनल पे भी बोल देना कि आज के बाद में छोड़ूंगी। वैसे तुम्हें तो बहुत सारे कमेंट आते ना बेटे के साथ बनाने के लिए, तुम्हें बेटे के साथ बनाना फिर से? हाँ मैं बनाऊंगी, लाइफ शुरू कर दे पहले। हाँ मैं बनाऊंगी, उसका कोई टेंशन नहीं है, पर मुझे जब मैंने बोला था जहाँ वीडियो बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, तू मेरे पास आया, तूने मुझे बोला आंटी वीडियो बना लो, मुझे वीडियो बनाना पसंद है, तो मतलब अभी तू मतलब ये सब कुछ बोल रही थी। मैंने क्या बोला, मैं तो मुझे बताया, क्योंकि फिर बाद में अगर मैं तुम छोटे छोटे बना चुकी मैं एकदम से इग्नोर करना शुरू कर देती हूँ, मैं तुम्हें भी बुरा लगता। इसका मतलब तू इतना
तीनों से अच्छे बनने का नाटक कर रहा था मेरे सामने। अच्छा बनने का नाटक कुछ नहीं, मुझे तो अब यही लग रहा है कि तू मेरे से अच्छे बनने का नाटक कर रहा था, इसलिए मैं ना दूसरे के ऊपर यकीन नहीं करती। एक तो मैंने किसी के ऊपर यकीन किया था, उन्होंने मेरा यकीन तोड़ा, अब दूसरी बात तू तेरे ऊपर मैंने यकीन करा, तूने भी मेरा यकीन तोड़ दिया। अब बता, इंसान इंसान को यकीन करना ही बंद कर देंगे। उस बात में क्योंकि तब तुम्हें लगता था मेरे को जरूरत है सिखाने की, तो जो तुम मेरे को अच्छी तरीके से नहीं सिखाते, जो तुम्हें अपने चैनल में मेरे को वीडियो बनानी सिखाई, एक्टिंग नहीं सिखाई, उसकी बात कुछ नहीं। तो मैंने जिसके पास तीन पहले सोची थी नबी मेरे साथ ऐसे करा, तो मैं गौर नहीं करती थी उनके चैनल में, लड़की काम करती थी उसमें ज़्यादा गौर करती थी, इसलिए मैंने सोचा इनके चैनल में काम करूँगी। और दूसरे में तुम ऐसे तुम्हारे चैनल में काम कर रही थी, कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद ना मैं वीडियो बनाऊँगी तेरे साथ, ना मैं कुछ करूँगी तेरे साथ, चला जा तू, तुझे जहाँ पे भी जाना है तू चला जा। पर तेरी बात सुन के मुझे एक बात ऐसा सवाल है, जिंदगी भर कभी दूसरे इंसान के ऊपर कभी यकीन ना करो। मुझे आप ये सबक तूने मुझे सिखा दिया। मैंने सबक नहीं सिखाया, तूने मुझे सबक सिखा दिया। पहले भी मैंने किसी के साथ ऐसा हुआ था, किसी ने मुझे धोखा दिया, तब मुझे कुछ नहीं बताता ना, मैं तुम दोनों को जानती थी, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ। मैं जब यहाँ पे आई तब मुझे उन्होंने भी बताई, और जब मैं तुम्हारे साथ कनेक्शन में आई तब तुम नहीं बताई, वरना मुझे ये पता कि तुम दोनों आप भी पड़ोसी। हाँ, जो इसीलिए मैंने सोचा अब मैं किसी के ऊपर यकीन नहीं करूँगी, क्योंकि मैं दो बार धोखा खाने के बाद अब मुझे किसी के ऊपर यकीन करना भी हद से ज़्यादा नहीं है। चल अगर तुझे जहाँ पर भी जाना ठीक है, तू जाएगा या धक्के मार के तुझे मैं भेजूँ? अरे चिर, सुनो मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो, अरे अरे रो मत, अरे आंटी मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ना तेरी, चलो देखो मैं सच में मजाक कर रही थी, सच में मजाक। तूने कोई मजाक नहीं किया, ठीक है? तेरी सुन, तेरी मन में जो था तूने वही बोला, ठीक है? मैंने नहीं बोला ऐसा कुछ भी। तेरा मन में जो था तूने वही बोला, हाँ सुना, क्योंकि मैं ना एक तो जब धोखा खा के बैठी थी ना, मैंने यकीन करना भी बंद कर दिया था, फिर भी मेरा क्या बोलते ना, इंसान का दिल जो किसी के ऊपर भी यकीन कर लेता है, जो तेरे ऊपर भी मैंने यकीन करा, पर तूने भी मुझे प्रैंक कर रही थी, प्रैंक कर रही थी मैं। चुप रह, तू कैसा प्रैंक कर रहा था? उधर देखो ऐसा प्रैंक कर रहा था। फोन कैसे काम कर रहा तेरे पास? जब तुम हार गई मैं तो मेरे में आई, तुम्हारा फोन धार रखा था, और मैंने सोची कि आंटी हर बार मेरे पागल बना देती है, मैं उनको पागल बनाऊंगी। क्या हाल है तुम्हारी? सॉरी 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 सॉरी, बहुत सच में तू ऐसा प्रैंक करेगा मेरे साथ? अरे यार मैं सोचा नहीं था तुम इतनी सीरियसली हो जाओगी, मुझे लगा कि तुम्हें दिख जाएगा कैमरा मेरा, हर बार तुम पकड़ लेती हो मेरे को। मैंने उसे देखा ही नहीं। रोन लगी तुम तो आजकल, मुझे सब रुलाता ही है, तू भी रुला दिया आज मुझे प्रैंक के चक्कर में। मेरे को ऐसे मन पे मत रहने बुलाने का, अब किसी के साथ क्यों वीडियो बनाती हूँ? बहुत चल रहा है क्या? मुझे क्या पता, शायद आंटी के साथ रहते रहते तेरा भी वीडियो बनाने का वो लग जाता है, इसलिए तू भी दूसरे के साथ। हाँ, मेरी कोई फ्रेंड ऐसे वीडियो मैसेज हो जाती है, इंस्टाग्राम वगैरह पे बनाती, यूट्यूब पर कभी कुछ कोई नहीं बनाती। और कितनी इतने ऊँचे लेवल वाली फ्रेंड की, इतने ऊँचे यूट्यूब चैनल की मैं फ्रेंड होती, तुमको लगता मैं यहाँ रहती? मैं सब वीडियो बनाती उसके साथ, मैं रहती पहले जाकर उससे ना सीख लेती। कर रही हो प्रैंक करा पहले, देखो क्या हाल हुआ, हाल है तू इनकी, इसलिए मैं इनके साथ जैसे प्रैंक नहीं करती। देख ना, देख क्या ऊपर तो देखो कैमरे की तरह, देखो मुझे रुला दे। हाँ ठीक है, अरे इनकी बैंड बज गई। हाँ ये तो रो रही है, इस प्रैंक के चक्कर में तो आंटी रोने लगी, इसलिए मैं बहुत प्रैंक नहीं कर रही, क्योंकि मेरी बैंड बजा दे। तो इसलिए अगर प्रैंक आपको अच्छा लगा
तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। वैसे तूने मेरे साथ ऐसा प्रैंक क्यों किया रे? मैं भी पूछना चाहती हूँ क्या मेरे, क्योंकि कैमरा ऑन है, ऑन कैमरा ही मैं पूछना चाहती हूँ ये मेरे साथ प्रैंक करा क्यों, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मेरे फोन से फोन कब लिया कब प्रैंक किया, क्योंकि मैं कपड़े डालने गया था और उधर खड़ा हो गई थी, मुझे नहीं पता था मेरे मैं तो आई थी इनको पूछने के लिए कि आज सुबह से तुम दिखने भी हो कहाँ, बोला मैं कमरे में गए थे, कहा है नहीं, मेरे को फोन दिखा, तो मैंने सोची थी मुझे को प्रैंक करा जाए क्योंकि हर बार पकड़ लेती है मेरे को, लेट रहते मैं पीछे जाऊंगी तो मेरे को पकड़ लेती है, तो चलिए मैं था चोरी छुपे प्रैंक करो और वीडियो देखने में मजा आएगा, लोग वो अच्छा लगेगा। मतलब तू ये बोल जब तुझे वीडियो का मतलब वो लगी है जो आंटी के ऊपर ही प्रैंक कर दिया तूने, तो और किसी ऊपर करती? क्योंकि इनको जब वीडियो का नेशा बहुत है, मुझसे भी ज्यादा इनको है, ये मुझे हमेशा मोटिवेट कर, क्या बोलते हैं, मोटिवेशन करते हैं, आंटी वीडियो बना लो, आंटी वीडियो बना लो, मैं तो इनके चक्कर में एक दिन में 10 वीडियो बनाती हूँ मैं तेरे चक्कर में, और आज मुझे खेलते मुंबई रहते हैं ये प्रैंक बना दो। चल चलो ओके बाय, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दो, और आज प्रैंक वीडियो चाहिए तो बता देना क्योंकि वीडियो मैं भी देखती हूँ, मैं भी कमेंट पढ़ लूंगी, मैं भी रिवेंज लूंगी, फिर इनको मैं इस बार सच में रिवेंज लूंगी, इस बार सच में, अब एक बार बोलो जे रिवेंज लो, अब नहीं बोलोगे तो मैं तब भी लूंगी, लूंगी मैं कोई बहुत, कोई मत बोल, बहुत खतरनाक रिवेंज लूंगी, तुझे पता ही नहीं है मैं क्या लूंगी, तू जा ए भगवान। चलो गाइस कोई भी रिवेंज मत करना, खाली कमेंट करके बताना ये प्रैंक आपको कैसा लगा, और अपनी फ्रेंड के साथ जरूर प्रैंक कीजिएगा, तू रुक जा ओके, मैं तो रिवेंज लूंगी, बहुत जल्द आएंगे रिवेंज वाला प्रैंक, ओके बाय।